नमस्कार दोस्तों, कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो स्पीच दी है वो अपने आप में आइकॉनिक है और लेजेंडरी है, और मैं इसके लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उनकी स्पष्टता उनके शब्दों के चयन से और उनके आचरण से स्वाभाविक रूप से झलक रही थी। कोरोना वायरस 12 घंटे में निष्क्रिय हो जाता है और जनता कर्फ्यू 14 घंटे का है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जो किसी भी देश ने सही वक्त पर नहीं खेला, जो हम भारतवासी खेलने जा रहे हैं संडे को सुबह 7 से रात के 9 बजे तक। अपने घर में रहिएगा, और मेरा खास निवेदन है, हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से, माताओं से, बहनों से, देखिए जान रहेगी तो आवाज़ रहेगी। आपके बच्चे हैं, आपके पति हैं, आपके माता पिता हैं, सभी आपकी सुरक्षा की कामना करते हैं। आप खुद भी असुरक्षित थे और आपकी वजह से वो भी असुरक्षित हो सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा स्वरा भास्कर जी से, अनुराग कश्यप जी से, ओबीसी साहब से, वो सभी लोग जिन्होंने हाथ में हाथ रखकर शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से उनके साथ खड़े रहे हैं। देखिए, राजनीतिक मतभेद होने लाजमी है, पर इस समय मुद्दा इससे ऊपर उठ चुका है। इस समय समाज का और इंसानियत का मुद्दा है, तो कृपया आपकी बातें वो सुनते भी हैं, कृपया उन्हें कहें कि वो अपना प्रदर्शन कम से कम तब तक के लिए स्थगित कर दें जब तक कोरोना वायरस का कोई उपचार नहीं निकलता या ये खत्म नहीं होता। और मैं भी, हालांकि मैं इंडिया में नहीं हूं, पर मैं आप लोगों के साथ में 5 बजे ज़रूर शाम को इंडिया के टाइम के हिसाब से मैं टीवी के पास में जाऊंगा और आपके साथ में तालियां बजाऊंगा। और मुझे मेरे दोस्त ने लिखा था एक कहीं पर कि इंडिया में बहुत कम लोगों के पास में बालकनीज होती हैं, बट खिड़कियाँ तो हर किसी की होती हैं, कहीं ना कहीं होती हैं। तो आप ज़रूर उन स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए तालियां बजाएं और उन्हें दुआएं दें जो अपनी जान पर खेलकर आप लोगों के लिए आपकी सेवा कर रहे हैं। और रात को 8 बजे, क्योंकि आप लोग घर में बैठे होंगे, तो मैं भी आपके लिए कॉन्सर्ट करता हूँ। चलिए, लाइव आई गो लाइव एट 8 o'clock इंडियन टाइम, एंड आपके लिए यहीं दुबई से एक स्टूडियो में जाके एक छोटा सा कॉन्सर्ट करता हूँ आप लोगों के लिए। आप सब देखना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड जय हिंद।